हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर में कोरोना वायरस की घेराबंदी के लिए लागू की गई धारा 144। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए डीएम ने बुलंदशहर में लागू की धारा 144। कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी के मद्देनजर 5 से अधिक लोगों के एक साथ स्थान पर जमा होने पर भी लगाई गई रोक। स्वास्थ्य विभाग की निगरानी का दायरा भी बढ़ाया गया है। कोरोना को लेकर बुलंदशहर में आज ही बनाई गई थी रैपिड एक्शन टीम। देखिए, आप भलीभांति अवगत हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा कई सारे स्टेप लिए गए हैं। उनमें से एक है कि धारा 144 में इस चीज़ का मेंशन करना कि सरकार के दिशा निर्देशानुसार जिनको होम आइसोलेशन में रखा जाना है, जिनको क्वारंटाइन के लिए आइसोलेटेड बिल्डिंग आइडेंटिफाई की गई है उसमें अगर रखा जाता है, या हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। ऐसे लोग जो संभावित केसेज में हैं, जिनका ब्लड सैंपल भेजा गया है, या जो लोग विदेश से आए हैं संक्रमित देशों से जिन्हें आइसोलेट किया गया है, वो लोग दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अन्य लोगों से ना मिलें, क्योंकि ऐसे मिलने से इसके संक्रमण की संभावना बढ़ती है। एट द सेम टाइम बाहर के लोग भी, सगे संबंधी हों, शुभचिंतक हों या मीडिया के बंधु हों, इस चीज़ के सीरियसनेस को समझे बिना उनसे मिलने चले जाते हैं, तो उनको भी इसमें मिलने से मना किया गया है। चूँकि सरकार के दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे और वो मिलेंगे तो वो एक अपराध की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ऐसा मिलने से आप समाज के लोगों को रिस्क में डाल रहे हैं, क्योंकि इससे कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना बढ़ती है। सर, कितने लोग सर निगरानी में हैं? अभी वर्तमान में 34 लोग, 34 लोग होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। इसमें से 8 और 5, 13 लोगों की एक फैमिली है। उन दोनों फैमिली से एक एक लोग जो इटली और तेहरान से बिजनेसमैन आए थे उनसे मिले थे या उनके साथ काम करते थे। 13 के अलावे जो 21 लोग हैं वो लगभग 10 देशों से टूरिस्ट हैं जो इस जनपद के थे और वहाँ टूर पर गए थे। इन 34 लोगों की 17 फैमिली है, 17 फैमिली पे 17 सर्विलेंस टीम, इनका सर्विलेंस रखी हुई है ताकि वो होम आइसोलेशन में रहें और आसपास के लोगों से ना तो वो मिले ना ही आसपास के लोग उनसे मिले। सर, कोरोना को लेकर आपकी ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा, कई अभियान चलाए जा रहे हैं जी। कुछ बस्तियां ऐसी भी हैं बुलंदशहर में जहां लोगों को कोरोना के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, आपकी तरफ से कोई निर्देश दिए गए हो टीम को? देखिए, बड़ा जनपद है, 951 ग्राम पंचायत हैं, 16 ब्लॉक हैं, 17 नगर निकाय हैं, तो जिला प्रशासन द्वारा समस्त ग्राम पंचायत में इसके पोस्टर लगाए गए हैं, जिला पंचायती राज अधिकारी के माध्यम से, DPO के माध्यम से, चाहे DSO जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से, उस गांव के कोटेदार को, या विद्यालय में, या आंगनबाड़ी केंद्र में, या जो ग्राम पंचायत के भवन होते हैं वैसे प्रमुख स्थलों पे अभी लगाए गए हैं। इसके अलावे नगर निकाय में भी वही व्यवस्था की जा रही है। आप देखेंगे कि जितने समस्त नगर निकाय हैं वहाँ पे बड़े बड़े बैनर लगे हैं। इसके अलावे भी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जागृत किया जा रहा है। हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें भी समस्त 71 PHC के माध्यम से, जन आयोग मेला के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा रहा है। अभी हम जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, मार्केट हो, पुलिस थाना हो, BDO का ऑफिस हो, नगर निकाय का ऑफिस हो, विकास भवन हो, समस्त जगह हमने ऐसे ही पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। तो हमारी कोशिश है कि जितना भी ज़्यादा हो सके लोगों को अवेयर किया जाए और सब लोग इससे अवेयर रहें और प्रिकॉशन। अब जिले में 34 लोगों की निगरानी की जा रही है। बुलंदशहर, सिकंदराबाद और खुर्जा में भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं।
टाइम 24 न्यूज जस्ट पास।